हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास टू का जीके। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 5 एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड तक किया था, तो आज के वीडियो में करेंगे हमारा नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। सो स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट का सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 36, फेमस सिंगर्स, मशहूर गायक, ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस है अपने सिंगिंग के लिए। उनमें जो है गाने का एक टैलेंट होता है, ठीक है, वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं कि लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो ये हैं कुछ फेमस सिंगर्स के नेम्स, ठीक। सो यहाँ पे आपको फोटोज पहचाननी है और उन सिंगर्स के नेम्स लिखने हैं। तो सारे नेम्स हेल्प बॉक्स में यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे ये कौन है, ये है श्रेया घोषाल, ठीक है, तो हम यहाँ पे श्रेया घोषाल लिखेंगे। देन नंबर 2 पे अरिजीत सिंह, नंबर 3 पे नेहा कक्कर, ठीक है, इन सबको आपने देखा होगा टीवी में। देन नंबर 4 पे है अंकित तिवारी, देन नंबर 5 पे शान, देन नंबर 6 सोनू निगम, नंबर 7 सुनिधि चौहान और नंबर 8 पे मोनाली ठाकुर, ठीक है। तो ये सारे नेम्स आपको ऐसे लिखने हैं, ये सारे सिंगर्स हैं जो अपने सिंगिंग के लिए फेमस हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 37, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स आपको पता है गेम्स जो हम खेलते हैं घर के बाहर, है ना, पर ट्रेडिशनल क्यों वर्ड यूज़ हुआ है। ट्रेडिशनल मतलब वो चीज़ जो पुराने समय से चलती आ रही है, तो वो सारे स्पोर्ट्स जो हम पुराने टाइम से खेलते आ रहे हैं और अभी भी कुछ बच्चे खेलते हैं, ये वो गेम्स हैं जो पुराने समय से खेलते आ रहे हैं। तो चलिए अब इनको देखते हैं, पहचानते हैं और उनका नाम यहाँ पर आपको नीचे लिखना है। सो नंबर 1 पे देखिए ये कौन सा गेम है, इसमें एक प्लेयर अपनी आंखें बंद करता है और बाकी सारे छुप जाते हैं। तो ये भी आप खेलते होंगे, है ना। और जो सीकर है, सीकर मतलब जो ढूंढने वाला है, वो अपनी आंखें खोलता है और बाकी सभी को ढूंढता है एक एक करके। तो ये कौन सा गेम है, सो इस गेम का नाम है हाइड एंड सीक, है ना, जिसे हम छुपन छुपाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड एंड सीक लिखेंगे। और नंबर 2 पे देखिए यहाँ पे जो सारे प्लेयर्स हैं वो टॉस करते हैं। सो ये गेम भी आपने खेला होगा, जिसमें जो है ज़मीन पर हम बनाते हैं रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बॉक्सेस बनाते हैं, और उसमें जो है ऐसे जंप करके, हॉप करके, मतलब जंप करके कूद कूद के, कभी 1 फुट पे, कभी 2 फुट पे, है ना, कूद कूद के जाते हैं यहाँ पे एंड नंबर तक, 10 तक, ठीक है। तो ये भी एक गेम है जो आपने खेला होगा, इसको बोलते हैं हॉप स्कॉच। तो हम यहाँ पर हॉप स्कॉच लिखेंगे। देन नंबर 3 पे देखिए ये एक गेम है। अब देखिए इन द स्पोर्ट, इस गेम में 1 or more पार्टिसिपेंट्स जंप ओवर द रोप। ये कौन सा गेम है, देखिए एक रस्सी है और लोग उस रस्सी के ऊपर से कूदते हैं, जिसे हम स्किपिंग रोप बोलते हैं, है ना, स्किपिंग करते हो ना आप लोग, तो ये स्किपिंग है, ठीक है, जिससे कि हमें रोप को टच नहीं करना और जंप करना है और रोप आपके नीचे से निकल जाती है ना, तो ये होता है स्किपिंग रोप। तो यहाँ पे स्किपिंग रोप लिखते हैं। देन नंबर 4 पे देखिए इस गेम में क्या है, क्या यूज़ कर रहे हैं ये लोग, टॉप यूज़ कर रहे हैं, जिसे लट्टू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लट्टू है वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है, स्ट्रिंग मतलब एक धागे से वो कनेक्टेड होता है, और उसको ऊपर की तरफ खींच के ऐसे स्पिन करके छोड़ देते हैं और वो घूमते रहता है, तो जिसका ज़्यादा देर तक घूमता है वो जीत जाता है, है ना। तो ये वाला गेम भी खेलते होंगे आप, और इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, यानी टॉप को घुमाना, स्पिन करना। अब देखिए नंबर 5 पे नेक्स्ट गेम है गिल्ली डंडा। तो ये एक वुडन स्टिक होता है, एक लंबा सा लकड़ी का स्टिक होता है और एक ओवल शेप्ड पीस ऑफ वुड, यानी एक वुड का टुकड़ा, एक लकड़ी का टुकड़ा छोटा सा ओवल शेप में, यानी छोटा सा, ठीक है। तो उस डंडे से जो है उस छोटे वाले ओवल टुकड़े को मारते हैं, ठीक है। तो ये होता है गिल्ली डंडा, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। अब नंबर 6 पे देखते हैं, दिस गेम इज प्लेड विद अ स्मॉल ग्लास बॉल्स। ये गेम तो आप पिक्चर देखकर ही पहचान लोगे, है ना, जिसे हम गोटी बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में मार्बल्स बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी गोटियां होती हैं, उससे भी बच्चे खेलते हैं अपने फिंगर से, अपने थंब से, है ना, एक एक गोटी से दूसरे गोटी को मारने की कोशिश करते हैं अपने फिंगर से, थंब से, ठीक है। और इस गेम को भी मार्बल्स बोलते हैं, तो ये मार्बल्स के साथ खेलने वाला गेम है। देन नेक्स्ट देखिए नंबर 7 पे ये क्या कर रहे हैं, ये पतंग उड़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है पतंग उड़ा रहे हैं स्काई में यूजिंग अ थ्रेड एंड स्पूल। स्पूल मतलब वो चीज जिसमें वो धागा बंधा हुआ होता है, जो कि इस बच्चे के हाथ में है, ठीक है। और धागे से जो है पतंग ऊपर ऊपर उड़ाते हैं, देखते हैं कि सबसे ऊंची पतंग किसकी उड़ रही है।
और प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने पतंग से दूसरे प्लेयर की पतंग को काट कर गिराने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसको हम बोलेंगे काइट फ्लाइंग, है ना, पतंग उड़ाकर खेलना। देन नंबर 8 पे जो गेम है उसको हम 7 stones बोलते हैं, यानी ये कैसे रखते हैं, देखिए तो स्टोन्स को जो है उनके साइज के अनुसार रखा जाता है। सबसे ऊपर छोटा वाला होता है, उसके नीचे फिर बड़ा स्टोन और सबसे नीचे सबसे बड़ा स्टोन। इस तरीके से स्टोन्स को, 7 stones को ऐसे रखते हैं और एक बॉल से उस स्टोन को मारने की कोशिश करते हैं, जिसे हम पिट्ठू बोलते हैं। जब स्टोन्स की छोटी सी बिल्डिंग जैसे बना के रखते हैं और बॉल से जो है उस स्टोन पर मारना होता है और उस स्टोन को तोड़ना होता है, उसको गिराना होता है, ठीक है, और बाकी सब भागते हैं। तो ये वो गेम है और इसका नाम है 7 stones, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7 stones लिखेंगे क्योंकि इसमें 7 stones का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कबड्डी भी जो है हमारा ट्रेडिशनल गेम है। तो पहले ये सारे गेम्स बहुत ज्यादा खेले जाते थे, इसलिए इन्हें हम ट्रेडिशनल गेम्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कबड्डी जो है बहुत ही पुराना गेम है। देखिए 100 years ago मतलब 100 साल पहले से जो है ये गेम खेलते आ रहे हैं, ठीक है। तो कबड्डी है एक ट्रेडिशनल गेम जो कि यहाँ पे बताया गया है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगला यूनिट करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।